हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज इंग्लिश लर्निंग सीरीज का हमारा 30th डे है और आज हम ग्रामर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं लेट और लेट्स का यूज। इंग्लिश में लेट और लेट्स के बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी जो 40 डेज का जो मेरा टारगेट है उसमें मैं बेसिकली स्पोकन इंग्लिश कवर कर रही हूँ कि कॉन्वर्सेशंस कैसे बातचीत करना है ये सब। तो लेट और लेट्स स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत मेजर पार्ट है, यानी कि आप इनको, इन वर्ड्स को यूज़ किए बिना बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं, बहुत बार अपनी बातें नहीं कह पाते हैं। लेट और लेट्स का यूज़ कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। जैसे उसे जाने दो, जब हम किसी को कमांड देते हैं या परमिशन देते हैं कि हाँ ऐसा करने दो, ऐसा करो, तब हम बोलते हैं लेट, ठीक है। तो जैसे उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे सोने दो, लेट हर स्लीप, उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी, ठीक है। तो इस तरीके से लेट का यूज होता है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या फिर परमिशन देने के लिए, ठीक है। तो लेट का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक। तो इस वीडियो में मैं आपको लेट का बकायदा हर एक पॉसिबल यूज बताऊंगी विद अलग अलग एग्जांपल्स कि लेट किस तरीके से अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बाकी फिर मैं आपको लेट्स भी बताऊंगी। दोनों बहुत यूजफुल वर्ड्स हैं। अगर आप इंग्लिश बोलने का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो को देखे बिना आपकी इंग्लिश इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि आप ऐसे सेंटेंसेस तो बोल ही नहीं पाएंगे कि उसे करने दो, कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तो इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लेट का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कि लेट का जो सेंटेंस है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो लेट लगता है, ठीक है, एलईटी लेट, स्पेलिंग होती है एलईटी लेट। सबसे पहले तो लेट लगेगा, उसके बाद फिर लगता है ऑब्जेक्ट, फिर लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बता रही हूं, पर वर्ब क्या होते हैं आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आपको जब टेंस पढ़ाए थे तब मैंने टेंसेस टेंस के वीडियोस में आपको मैंने बताया था कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया जो भी हम काम करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं, जैसे खाना पीना, सोना जाना आना, ये सारी क्रियाएं हैं और इन्हीं को हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो मैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म में अभी नहीं जाऊंगी। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे गो मतलब जाना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है गो, का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, फिर होता है गॉन, गो वेंट गॉन, इस तरीके के वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, मतलब किस चीज को, किस क्रिया को क्या बोलते हैं, बस आपको यहाँ पर वो पता होना है, उसके फॉर्म्स की कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पर। अगर टेंस की वीडियोस आपने देखे हैं तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, मैं, तुम, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स थे हमारे उसमें टेंस वाले वीडियोस में। आई, वी, यू, दे, ही, शी, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स थे। पर यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नहीं यूज करने, जैसे हम टेंस में क्या बोलते थे, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाना खाऊंगा या वो खाना खाएगा, तब मैं, वह, वे, इस तरीके के हम लोग सब्जेक्ट्स यूज करते थे, ठीक है, तब हम इनको सब्जेक्ट बोलते थे। पर यहाँ पर हम मैं, तुम, वो ऐसा नहीं यूज करते हैं, हम बोलते हैं उसे, मुझे, मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, उसे सोने दो, तो इस तरीके के हम शब्द यूज करते हैं, तब हम उन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, आई का हो जाता है ऑब्जेक्ट मी, वी का हो जाता है अस, वी मतलब हम, अस मतलब हमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हिंदी मीनिंग भी उनका लिखा हुआ है और सबके मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, तो ये आप याद कर ही लेना अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, मुझे मतलब मी होता है, हमें मतलब अस होता है, उन्हें मतलब देम होता है, उसे मतलब हिज होता है या हर होता है। हिज हम लड़के के लिए, मेल जेंडर के लिए बोलते हैं, और लड़की के लिए हम हर बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो चार्ट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसको आप लर्न कर लेना तो ही आप लेट का यूज़ कर पाएंगे। अब आए हमारे फॉर्मूले पर। देखिए हमारे पास अब क्या फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले तो लेट लग जाता है, ठीक है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगता है, फिर हमारा लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाकी मैंने जो डैश डैश लिखा हुआ है वहाँ पर सेंटेंस का जो भी अदर पार्ट है वो लग जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कैसे हम बना सकते हैं। जैसे उसे पढ़ने दो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया उसे ये करने दो, जाने दो, आने दो। तो जब भी हम किसी को किसी चीज़ की परमिशन देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं या कमांड देते हैं कि ऐसा करो, करने दो, तब हम लेट का यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारे लेट वाले यूज़ में आएगा, उसे अंदर आने दो, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस लेट वाले सेंटेंसेस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि लेट का यूज़ कैसे होगा। उसे पढ़ने दो, तो सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से तो हमारे पास लेट आएगा, तो मैं यहाँ पे लेट लिख देती हूँ, ठीक है, लेट। फिर ऑब्जेक्ट, उससे, उसे पढ़ने दो, उसे मतलब एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी हो सकता है ना, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। उसे मैंने बोल दिया तो मैं उसे लड़की के लिए भी बोल सकती हूँ, उसे मैं लड़के के हिसाब से भी उसे ही बोलूंगी। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप चाहे तो हर लिखें, चाहे तो आप हिम लिखें, तो मैं यहाँ पे हिम लिख देती हूँ, लेट हिम। फिर पढ़ने के लिए क्या वर्ब यूज होता है, स्टडी, तो लेट हिम स्टडी। तो हमारे पास क्या ट्रांसलेशन हो गया, लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे आने दो। तो इस तरीके के सेंटेंसेज यूज होंगे। मैं वैसे तो मैं मुझे लर्न है या प्रैक्टिस सबकी हो जाती है, अगर आप इसी सेंटेंस को लेके अलग अलग टाइप का बना दो ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो, सबसे पहले लेट लगेगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, उसे, फिर से वही है, तो मैं यहाँ पर अभी हर का यूज कर लेती हूँ लड़की के हिसाब से, उसे अंदर आने दो। लेट हर कम, आने के लिए हम वर्ब कम का यूज करते हैं, कम मतलब आना, लेट हर कम इन, अंदर, लेट हर कम इन, उसे अंदर आने दो, ठीक है, उसे बाहर जाने दो, लेट हर गो आउट। तो इस तरीके से यूज होगा। अगला हमारे पास देख लो ट्रांसलेशन क्या है, अब हमें जाने दो, अब हमें जाने दो, लेट हमें के लिए वी का अस हो जाता है, लेट अस, जाने के लिए गो यूज होता है, अब का मतलब होता है नाउ, अभी, लेट अस गो नाउ, हो गया ट्रांसलेशन। देखो अब यहाँ पर जो फोर्थ है वो थोड़ा अलग है, मैंने इसीलिए इसको लिखा। अब इस तरीके के सेंटेंसेस तो आप बना लोगे, उसे पढ़ने दो, उसे जाने दो, उसे खाने दो, उसे पीने दो, ठीक है, तो ये तो आप बना लोगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस में बताती हूँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये भी यूज होता है लेट का। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें बात बताता हूँ, या मैं एक तुम्हें बात बताऊँ, या मुझे एक बात बताने दो, तीनों एक ही तरीके के सेंटेंस हैं, बस उनका फॉर्म अलग अलग है, उनको बोलने का तरीका अलग है। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ या मुझे तुम्हें एक बात बताने दो, ठीक है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग तरीके से है, तो यहाँ पर भी लेट का यूज होता है। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लेट, सबसे पहले तो लेट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लेट, मैम का क्या हो जाएगा, मी, लेट मी, बात बताना मतलब टेल, ठीक है, लेट मी, फिर हमारे पास वर्ब क्या लगेगा, बताना मतलब टेल, लेट मी टेल यू, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग जा, इधर का, इसके बाद का पार्ट क्या होता है, लेट मी टेल यू, मुझे तुम्हें बताने दो एक बात, लेट मी टेल यू Let me tell you one thing, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, let me tell you one thing, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, let me tell you one story, let me tell you, आप इतना बस याद बस भी कर लो, ठीक है, ग्रामर में मत जाओ ग्रामर में कि let me tell you, let लगेगा, object लगेगा, subject लगेगा, कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ let के साथ कम से कम 50 sentences बना लो, अगर आप अराउंड 50 sentences बना के प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपको let के ऊपर कभी भी ग्रामर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जब भी वो सिचुएशन आएगी आप let का यूज कर लोगे, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यहाँ पर हमें ज़रूरी नहीं है कि ग्रामर के थ्रू ही जाना है, बट क्योंकि एक बार ग्रामर तो आपको पता होनी चाहिए, राइट, आपको एक बार पता होनी चाहिए, आप सीख जाओ, बाकी आप प्रैक्टिस करो। अगला सेंटेंस है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, या मैं तुमसे एक सवाल पूछूँ, राइट, इस तरीके का, तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन,
लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछने दो या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी तरीके का यूज होता है, ठीक है? तो ये अलग अलग टाइप के यूज हो गए। अभी इसका टेंस में कैसे यूज होता है मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, पर इसके पहले हम इन सेंटेंसेस का निगेटिव पढ़ लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना आप ऐसा बोलो उसे पढ़ने दो, आप ऐसा भी तो बोल सकते हो उसे पढ़ने मत देना, उसे अंदर आने दो, उसे अंदर मत आने देना, ऐसे भी तो सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो इनको हम निगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। अब हम इनका नकारात्मक कैसे बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, इतना इजी है कि आपको लगेगा कि इसमें है ही क्या। तो निगेटिव में सबसे पहले क्या लगाना है आपको, सबसे पहले लगाना है डोंट या डू नॉट। डू नॉट को मिला के डोंट बन जाता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप डोंट लगाओगे, बाकी तो सब सेम, बस लेट लेट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बाकी सब कुछ सेम। यानी उसे पढ़ने दो का निगेटिव कैसे बनेगा, उसे मत पढ़ने देना। तो डोंट लेट हिम स्टडी, सॉरी डोंट लेट हिम स्टडी, उसे मत पढ़ने देना या उसे मत पढ़ने दो। इसका निगेटिव कैसे बनेगा, लेट हर कम इन, डोंट लेट हर कम, डोंट लेट हर कम इन। अब हमें जाने दो, अब हमें मत जाने दो, डोंट लेट अस गो। बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से लेट का यूज कर सकते हो और बहुत यूजफुल वर्ड है। अगर आप इसके ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैंने इसका नेगेटिव नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तो मैं तुम्हें एक बात नहीं बताता हूँ या मैं तुम्हें एक बात नहीं बताऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो गलत, हिंदी का ही गलत सेंटेंस है, तो इसके ऊपर इंग्लिश तो क्या ही बनेगी। ऑलराइट, तो ये तो मैंने अभी इनका नेगेटिव नहीं बनाया, ये बेसिक है, इनका आप नेगेटिव बना सकते हो। जैसे उसे सोने मत देना, डोंट लेट हर स्लीप, उसे खाने मत देना, डोंट लेट हर ईट, उसे जाने मत देना, डोंट लेट हर गो, ठीक है? इस तरीके से डोंट का आप यूज कर सकते हो। और पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो मैंने आपको बताई दिया। अब आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस देती हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करो और ऐसे और खुद ही बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो। ग्रामर नहीं है, आपको एग्जाम नहीं देना, एग्जाम देना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्कूल स्टैंडर्ड में हो या कॉलेज स्टैंडर्ड में हो तब तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो तो आप लिख के तो प्रैक्टिस करो ही, बट उनको आप बार बार बोलो, 50 to 100 टाइम्स आप एक सेंटेंस को लेट का यूज़ करके बोलने की कोशिश करो, एक सेंटेंस नहीं बहुत सारे सेंटेंसेस, फिर आपकी लेट की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर इस वीडियो का सेगमेंट वन ओवर होता है, जिसमें मैंने आपको लेट का यूज बताया विदाउट टेंस, मतलब टेंस में अभी हमने बात नहीं की है। तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, मैं आपको अभी बताती हूँ कि आप लेट का यूज टेंसेस में कैसे कर सकते हो। तो देखिए, अब हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में आ चुके हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आप टेंस के अंदर लेट का यूज कैसे कर सकते हैं। लेट का यूज अभी भी वही है, परमिशन देना, करने देना, किसी काम को करने देना। जैसे कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो यहाँ पर भी मैं दूंगा, ठीक है, एक एक परमिशन देने वाली बात हो आ गई, तो लेट का यूज तो यहाँ पर होगा। मैं तुम्हें टीवी नहीं देखने दूंगा, तो यहाँ पर है ना लेट वाले यूजेस यही हैं। अब देखिए, नहीं करने दूंगा, वो खाने देगा, खाने देता है, पढ़ने नहीं देता है, तो नहीं देता है, देता है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर लेट का यूज होगा, पर ता है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो गया। मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगा तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि आप सारे टेंस के अंदर ऐसी बातें बोल सकते हो ना कि वो ऐसा नहीं करने देगा या नहीं करने देता है, तो मतलब टेंस के अंदर भी लेट का यूज होगा। ऑलराइट, तो टेंस के अंदर लेट का यूज कैसे होगा मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। अगर आपको एक बार में फॉर्मूला नहीं समझ में आता है, ठीक है, आप बहुत बेसिक यूजर हो, तो आपको ये एग्जांपल देख के समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है और हेल्पिंग वर्ब लगता है,
और फिर लेट लगता है बाकी ऑब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर अगर आपने टेंस के वीडियोस देखे हैं तो सब्जेक्ट आपको पता है आई वी यू दे, ये सारे सब्जेक्ट्स लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, अब किस टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है वो इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, राइट? कि हर एक टेंस में हम अलग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम डू डस का यूज़ करते हैं, फिर कॉन्टिन्यूस में इज एम आर यूज़ होता है, फिर परफेक्ट में हैव हैज़ यूज़ होता है। तो कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो आप वीडियोस जो टेंस के हैं उससे आप सीख सकते हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर जिस टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा, फिर आप लेट लगाओगे, लेट फिर लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ये मी अस देम हिम हर या नेम या जिसका भी कोई नाम है तो वो नाम, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। कैसे, अब हम देखते हैं। मैं तुम्हें टीवी देखने दूंगा, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट आई लगेगा, देखने दूंगा ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की बात हो रही है तो आई के साथ विल लगता है, पहले शैल लगता था अब विल लगेगा, आई विल, फिर इसके बाद लेट लगेगा, ठीक है, लेट आई विल लेट, फिर तुम्हें ऑब्जेक्ट, तुम्हें के लिए क्या ऑब्जेक्ट यूज होता है, यू, आई विल लेट यू, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आई विल लेट यू वॉच टीवी या आई विल लेट यू वॉच टीवी, ठीक है, सेंटेंस बन गया, बहुत ईजी है कि नहीं? अब आप, अगर आपको ईजी नहीं लगा तो इसका मतलब आपके टेंस क्लियर नहीं है। टेंस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जरूर देखिए। इंग्लिश का जो, इंग्लिश सीखने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है टेंस। अगर आपके टेंस क्लियर नहीं है तो आप हमेशा गलती करोगे इंग्लिश बोलने में, और बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं जो बहुत ख़राब साउंड होती हैं, ट्रस्ट मी। तो आप टेंस पहले आप अपने क्लियर कर ही लो। एनीवेज अब हम आगे बढ़ते हैं, तो सेंटेंस बहुत क्लियर हो गया, मैं तुम्हें टीवी देखने दूंगा, आई विल लेट यू वॉच टीवी, ठीक है। अब इसका अगर हमें निगेटिव बनाना है तो निगेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसके बाद नॉट लग जाता है, ठीक है। हमने टेंस में निगेटिव सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, यहाँ पर भी सब सेम है, बाकी सब सेम रहेगा, फिर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाकी का जो भी सेंटेंस का अदर पार्ट है वो लग जाएगा। तो मैं तुम्हें टीवी नहीं देखने दूंगा, आई विल नॉट, फिर लेट यू वॉच टीवी, बहुत सिंपल है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के देखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा, ट्रस्ट मी, बहुत इजी है सब कुछ। अभी तो फिलहाल अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक दो बार वीडियो, यही वीडियो आप एक दो बार देख लो, फिर आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस अपने हिसाब से, खुद ही आप हिंदी सोचो, फिर खुद ही आप इंग्लिश सोचो, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, एकदम स्पोकन इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी, तो आपको प्रैक्टिस और मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हम आगे देखते हैं, रियान आर्यन को पतंग उड़ाने देगा, रियान आर्यन को पतंग उड़ाने देगा। सबसे पहले रियान है ना, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, रियान, ये भी हमारे किसकी बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की बात हो रही है, तो इसके साथ विल लगेगा, रियान विल, फिर लेट लग जाएगा, रियान विल लेट, फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास आर्यन है, रियान विल लेट आर्यन फ्लाई, उड़ाना, पतंग उड़ाने के लिए फ्लाई यूज होता है, राइट? तो रियान विल लेट आर्यन फ्लाई अ काइट, रियान आर्यन को पतंग उड़ाने देगा, रियान आर्यन को पतंग नहीं उड़ाने देगा, रियान विल नॉट लेट आर्यन फ्लाई अ काइट। इतना सही है लेट का यूज, बहुत ज्यादा यूजफुल वर्ड है ये, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो यकीन मानिए आपकी इंग्लिश में बहुत सुधार आप खुद ही महसूस करोगे, क्योंकि हम हिंदी में ऐसे बहुत सेंटेंसेस बोलते हैं कि मुझे कार चलाने दो, लेट मी ड्राइव द कार, ठीक है, उसको तुम, उसको काम करने दो, लेट हिम वर्क, रिया को, आन्या को डिस्टर्ब मत करने दो, डोंट लेट रिया डिस्टर्ब आन्या। तो देखो बहुत यूजफुल है लेट का यूज, और मैंने आपको बहुत परफेक्टली बताया है मेरे हिसाब से, यानी इजी करने की कोशिश की है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बनने लगेगा। तो इस वीडियो का सेकेंड सेगमेंट ओवर हुआ, अब हम थर्ड सेगमेंट में बात करेंगे लेट्स की,
लेट अस को मिला के बनता है लेट्स। तो इंग्लिश में लेट्स का यूज कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है? सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तो अब हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के थर्ड सेगमेंट में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ लेट्स का यूज। लेट्स मतलब एल ई टी, ठीक है, एल ई टी लगता है, उसके बाद अपोस्ट्रॉफी, यहाँ पर एक ऊपर कॉमा लगता है, एस हो जाता है। ये किससे बनता है? ये लेट और एस से मिलकर बनता है लेट्स, ठीक है। तो ये भी बहुत बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, इसको यूज़ करने में कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और बहुत लोग यूज़ करते हैं। मैं ही नहीं बोलती हूँ कि लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स मतलब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो आओ, इस तरीके से लेट्स का यूज़ होता है। बहुत यूज़फुल और बहुत सिंपल है इसका यूज़, कुछ नहीं। इसमें सबसे पहले आपको लेट्स लगा देना है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है लेट्स लगा देना है। इसके बाद जो भी वर्ब है, मतलब जो भी काम है, लेट्स गो, लेट्स ईट, लेट्स सिंग, लेट्स डांस, तो जो भी क्रिया है आप वो आप लगा दोगे। और इसके बाद अगर सेंटेंस में कोई दूसरा भी पार्ट है, ठीक है, जैसे लेट्स गो टू द मूवी, मूवी के लिए चलते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो भी सेंटेंस का पार्ट है आप वो लगा दोगे। तो क्या हमारे पास सेंटेंस बनेगा? लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी हमारे पास सेंटेंस का अदर पार्ट है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर है सेंटेंस, जैसे चलो डांस करते हैं, तो सबसे पहले लेट्स लग जाएगा, लेट्स। फिर डांस करने के लिए क्या वर्ब यूज होता है? डांस ही यूज होता है, तो लेट्स डांस, चलो डांस करते हैं, चलो वीडियो देखते हैं, लेट्स वॉच लेट्स वॉच द वीडियो, चलो क्लब चलते हैं, लेट्स। चलना के लिए क्या होता है? गो, है ना, जाना। लेट्स गो, लेट्स गो टू द क्लब, चलो उनकी मदद करते हैं। लेट्स मदद करना क्या होता है? हेल्प, लेट्स हेल्प देम, चलो उनकी मदद करते हैं, बस इतना सही है। लेट लेट्स दोनों के यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिखने में एक जैसे लगते हैं, एक सिर्फ अपोस्ट्रॉफी, ऊपर एक कॉमा, उसका एस का डिफरेंस है। तो आप ये मत समझना कि इन दोनों के यूज लगभग लगभग हो सकते हैं, ठीक है, दोनों के यूज अलग है, बट दोनों के यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि ये आपको समझ में ना आया हो। बच्चा लेट, तो लेट भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। आपसे ये बनेगा अब तब जब आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस हैं और आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जो स्क्रीन पर आपको दिखे हैं सेंटेंसेस जो मैंने आपको दिए थे, वो आप उनको बना के प्रैक्टिस करो, और सिर्फ उतना नहीं, और भी आप खुद सेंटेंसेस क्रिएट करो और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, एंड आई कैन गारंटी कि आपसे बन जाएगा, बन ही जाएगा, डोंट वरी। बस मैं जो आपको बता रही हूँ, और मैं इस चैनल पर, इंफॉर्मेशन सेंटर पर, सारे वही टॉपिक्स उठा रही हूँ, सारे वही टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। मैं बहुत बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ फिलहाल, हमारी सीरीज़ में एक पैकेज बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो 40 डेज का पैकेज देख कर, 40 डे की सीरीज़ देख कर, कोई भी मीडियम से बेसिक इंग्लिश सीख जाए। ऑलराइट, सो वीडियो को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, आपने लेट और लेट्स का यूज़ अच्छे से सीख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपके डाउट्स क्लियर हो गए, तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए, मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोगों को वीडियो यूजफुल लगा। ऑलराइट, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप पिछले वीडियोस की लिंक देखना, पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उन सारे वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।